बाबा मैं देख रहा था कि नहीं बोल रहा चूल्हा है, बिल्कुल चूल्हा है अंकल का बोल चुका। मम्मी का नहीं छुआ तू? चाचा का थोड़ा सामान चाचा का मस्त। अरे 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 नहीं, अभी मेरे बेटे को पैसा देगा। कितना पैसा चाहिए बेटा तेरे को? 10 रुपए? 10 रुपए देगा तेरे को? दादा जा मेरा पर्स तोड़ तो लेके आएगा कभी तो ना, मेरा पर्स तो ऊपर है अभी। क्या में इतना पानी भरा है, उधर ऐसा पैसा, मेरा पैसा तो चले जाएगा। अब तो पैसा क्या करने चाहिए कि चाहिए ऊपर का, तो अभी बिना पर्स लाए पैसा मिलेगा नहीं। पर्स नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो पर्स नहीं। हेलो, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? हाँ हेलो, हेलो, क्या बेटा? और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों के ग्रुप में भेजा था एक वेबिनार का, तो जो कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक कंप्लीट एग्जाम गाइडेंस की तरफ से एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। वेबिनार जो है वो आपका एक बैंकिंग एग्जाम जो हमारे इंडिया में अभी हो रहे हैं उसके उससे रिलेटेड आपका गाइडेंस, करियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, उसमें क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, वो सारी चीजें उसमें आपको बताई जाएगी। तो प्लीज आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। मैंने देखा जैसे कि आपके क्लास से खाली 7 to 8 लोगों ने ही रजिस्टर किया है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रजिस्ट्रेशन करिए। मैं आपका लिंक जो है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है बच्चों वो लोग जरूर रजिस्ट्रेशन करें ताकि जो है उसका बेनिफिट आप लोग ले सके। मैं लिंक जो है चैट बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग जो है जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया आएगा कि आपको, जैसे मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले तो आपको बताया था कि बहुत सारे बैंक्स वगैरह के एग्जाम के जो गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म्स आए थे वो मैंने आपको सेंड किए थे आपको ग्रुप में, तो एटलीस्ट आपको ये पता चले कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो सारी चीजें, और क्या क्या चीजें आप, क्या क्या आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो वो सारी चीजों के लिए गाइडेंस के लिए हमने एक मैम को बुलाया है जो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर वे से, जो उसी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो इसलिए बच्चों आप ये फॉर्म जो लोग भी इंटरेस्टेड है जरूर फिल करें, मैंने चैट बॉक्स में भी दे दिया है और आपको आपके ग्रुप में भी कल भेजा था, तो आप जरूर फिल करें और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? चलिए तो आगे मैं चलता हूँ। फिल कर रहे हैं क्या आप लोग? कि वेट करूँ या आगे स्टार्ट कर दूँ? फेल कर रहा है क्या कोई? हेलो हेलो, फेल कर रहे हैं या आगे स्टार्ट करें हम लोग?
यस ग्रुप में भी है, मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। चलिए ठीक है, ग्रुप में भी ऑलरेडी वो लिंक भेजा है मैंने, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हेलो। चलिए तो आज हम लोग ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर सिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दिया है कि बैंक होता क्या है। ठीक है, बैंक बिजनेस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत टाइम पे बच्चों जो है ऐसा पूछा जाता है कि बैंकिंग बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, तो मैक्सिमम टाइम में बच्चे जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं। तो ध्यान रहे, आरबीआई जो है बैंकिंग बिजनेस को रेगुलेट करता है, गवर्न नहीं करता। ठीक है, गवर्न कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 व्हिच केम इनटू फोर्स मार्च 16 1949 एज पर सेक्शन 2 एक्ट। प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर आल्सो एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल इन टू ऑल कंपनीज व्हिच इज रनिंग द बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो बैंकिंग बिजनेस भी एक कंपनी है, तो कंपनी है इसलिए उसके ऊपर पैरेलल दो एक्ट अप्लाई होता है। एक तो कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होगा ही होगा, दूसरा एक्ट जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी अप्लाई होगा, बिकॉज ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ये बिजनेस गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, बैंक एज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक के पास एक, बैंक एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है कि वो पब्लिक से एक्सेप्ट कर सके, क्या बच्चों? डिपॉजिट, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग, जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का बैंक में सेविंग में बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक जो है वेरियस वे से, वेरियस अकाउंट से डिपॉजिट कलेक्ट करता है, सेविंग बैंक से, करेंट बैंक, करेंट सेविंग अकाउंट से, करेंट अकाउंट से एंड फिक्स डिपॉजिट से, एज वेल एज रिकरिंग डिपॉजिट। दीज आर वेरियस फॉर्म फ्रॉम वेयर द बैंक हैज कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। एंड नेक्स्ट है जो एक्ट एज अ सेफ कस्टोडियन ऑफ द फंड ऑफ द इट्स कस्टमर। बैंक आर मेनली कंसर्न विद द रिसीविंग द कलेक्शन एंड ट्रांसफरिंग, बाइंग एंड लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, एक्सचेंजिंग एंड सर्विसिंग द मनी। मतलब बेसिकली जो बैंक का बिजनेस है वो क्या है? कलेक्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बेसिकली मेन बिजनेस जो है बैंक का यही है कि कलेक्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो है वो पैसा कलेक्ट करता है एट द आफ्टर सम टाइम, और वो जो पैसा है वो पब्लिक को या तो लैंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, लोन के थ्रू वो जो है पब्लिक को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और जो है दूसरा, और बैंक क्या कर सकता है? उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है कहीं पे। ठीक है, तो ये जो है मेजर जो फंक्शन है, जैसे आपने ट्वेल्थ में भी आपने पढ़ा होगा या फिर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ बैंक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आपने देखा होगा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, ये दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन बी, 5 सबसेक्शन बी ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक एक्सेप्ट कर क्यों कर रहा है पैसा? बैंक एक्सेप्ट जो आपसे डिपॉजिट करता है उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि वो पैसा अपने बैंक के लॉकर में स्टोर करके रखेगा, सेव करके रखेगा, या मेन पर्पस ये है नहीं। बैंक जो भी डिपॉजिट आपसे एक्सेप्ट कर रहा है उसको इन द फॉर्म ऑफ लोन या इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करेगा, बराबर है? वो ऐसा बैंक कभी भी, ऐसा बैंक का मेन पर्पस नहीं है कि आपका डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किया है वो एज इट इज जो है बैंक के लॉकर में या बैंक के जो है तिजोरी में बंद रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अ डिपॉजिट ऑफ मनी, डिपॉजिट फ्रॉम मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड द विड्रॉल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर ऑन अदरवाइज। तो जो है ये पैसा आपको जो है बाद में रीपे करता है बैंक जब भी। अब नेक्स्ट क्या है? स्टैचुटरी प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। स्टैचुटरी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टैचुटरी ऑडिट आपने सुना होगा, SY में सारे लोगों ने नाम सुना होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट, सुना है क्या? स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? यस yes?
स्टैचुटरी ऑडिट का मतलब है, स्टैचुटरी ऑडिट स्टैचुटरी वर्ड का मतलब है कंपलसरी। तो मतलब यहाँ पे बताया कंपलसरी प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब इफ एनीवन वांट टू स्टार्ट अ बैंकिंग बिजनेस, अगर कोई पर्सन बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको ये सारे जो है प्रोविजन फुलफिल करने होंगे, देन ऑल्सो ही देन ही कैन स्टार्ट अ बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व, मिनिमम कैपिटल एंड रिजर्व एज पर द सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ बैंकिंग कैपिटल इन अ कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी लेस देन 15 लाख रुपीज। मतलब अगर आपको जो है बिजनेस स्टार्ट करना है आउटसाइड इंडिया तो आपका जो है बैंकिंग बिजनेस आपका कैपिटल जो है 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप वही बिजनेस इट हैज प्लेस इन बिजनेस सिटी मुंबई कोलकाता जैसी सिटी में है अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस तो आपका कैपिटल जो है 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तीन प्राइमरी क्राइटेरिया है कैपिटल्स का। हेलो, नाउ नेक्स्ट है इट शुड बी नोटेड दैट सच अमाउंट ऑफ 25% ऑफ नेट प्रॉफिट ईच ईयर शैल केप्ट डिपॉजिट विद द रिजर्व। मतलब हर साल ये आगे ये जो 25% वाला पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि इसका क्या, देखो नीचे है आपको 25% एवरी ईयर आपका जो प्रॉफिट होगा एवरी ईयर के प्रॉफिट का 25% जो है यू हैव टू ट्रांसफर इन स्टैचुटरी रिजर्व। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एज पर आरबीआई सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको कंपलसरी 25% जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपको स्टैचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना कंपलसरी है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वो भी कितना परसेंट बच्चों, 25% इनके हिसाब प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट का आपको 25% ट्रांसफर करना होगा स्टैचुटरी रिजर्व में। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। व्हेनेवर द बैंक इशू द शेयर्स टू द पब्लिक, जैसे जब बैंक एस्टेब्लिश हो रहा है तो बैंक का जो जब आईपीओ आता है तो जब बैंक अपना इशू करता है शेयर पब्लिक को, ठीक है, तो उस केस में जो बैंक कमीशन देगा किसको, कमीशन प्रोवाइड करेगा अंडरराइटर्स को। आगे हम अंडरराइटिंग एफएफआई में देखेंगे कि अंडरराइटिंग क्या होता है, अंडरराइटर्स क्या होता है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, तो ये एक सेपरेट चैप्टर्स है। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि जब बैंक शेयर इश्यू करेगा उस टाइम पे जो अंडरराइटर्स को कमीशन देगा या ब्रोकरेज देगा इट कैन नॉट बी एक्सीड 2.5%, 2.5% से ज्यादा कमीशन नहीं पे कर सकता। आप वहां पे भी देखेंगे यही रूल है कि आप इनकेस ऑफ शेयर्स अगर आप शेयर इश्यू करेंगे तो मैक्सिमम यू कैन इश्यू पेड द कमीशन टू अंडरराइटर 2.5%, नॉट मोर देन दैट। देखो यहाँ पे नो बैंकिंग कंपनी शैल पे द आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ कमीशन ब्रोकरेज इन एनी फॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर इश्यूड बाय इट एनी अमाउंट एक्सीडिंग 2.5% ऑफ द पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब 2.5 से, देखो अभी वो ऊपर पॉइंट, ये पॉइंट तो ऊपर भी रिपीट हुआ है। स्टैचुटरी रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एवरी बैंकिंग कंपनीज incorporated in India shall create a reserve and transfer at least 25% of annual profit। मतलब कम से कम आपको 25% profit जो है transfer करना होगा कहाँ पे, statutory reserve में। ठीक है, ना अब यहाँ पे क्या बोला cash reserve, ये तो बच्चों ये जो point है cash reserve का ये time to time change होता है as per RBI guidelines। ठीक है, इसमें हम 3% हालांकि बोला है every banking company not being to scheduled bank has to maintain the cash reserve at least 3% of total its demand and time liabilities on the last Friday and second proceeding fortnight। आगे देखते हैं restriction on loan and advances। अब यहाँ बताया गया है कि bank किसकी किसको loan नहीं provide कर सकता, bank किसको किसको loan नहीं दे सकता। No banking company shall
grant the loans and advances on the securities of its own share. जैसे आप बैंक एबीसी बैंक है और एबीसी बैंक का मैंने शेयर परचेस कर रखा है 50,000 रुपए का या 1,00,000 रुपए का. अब मैं बैंक एबीसी ही बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करता हूँ और बैंक मुझे बोलता है कि सर कुछ सिक्योरिटीज दीजिए, तो मैं उसी बैंक के शेयर को उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो बैंक इस केस में मुझे लोन नहीं देगा. बिकॉज बैंक जिस पर्टिकुलर बैंक से मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसी पर्टिकुलर बैंक का मेरे पास शेयर है और उसी पर्टिकुलर शेयर को मैं एज अ सिक्योरिटी रख रहा हूँ, तो उस केसेस में बैंक जो है मुझे लोन सैंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है बैंक को ये परमिशन नहीं है. हाँ, अगर एबीसी बैंक का शेयर है मैं पीकेआर बैंक में अप्लाई कर रहा हूँ तो उस केस में लोन सैंक्शन होगा, क्योंकि बैंक का उस केस में दूसरे बैंक का शेयर है और दूसरे बैंक से मैं अप्लाई कर रहा हूँ. ग्रांट एनी लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक अपने किसी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, बैंक अपने ही किसी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता और या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव या डायरेक्टर से किसी कनेक्टेड पर्सन को भी बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और बैंक तब तक डिविडेंड नहीं इश्यू कर सकता जब तक उसके सारे कैपिटल एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं हो चुके हैं, तो तब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा. ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक हैज टू अडॉप्ट अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम बुक्स ऑफ बुक्स कीपिंग बुक कीपिंग व्हिच इज इंश्योर दैट इट डिटरमाइन एंट्री द न्यूमेरियस ट्रांजेक्शन आर कीपिंग इंटरनल चेक ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट. This is generally maintained by the large number of the subsidiary members. मतलब देखो बैंक इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट बुक कीपिंग फॉलो करना चाहिए कि वन पर्सन ने अगर उसको एंट्री किया है तो अनदर पर्सन बाय डिफॉल्ट उसका चेक करना चाहिए. तो अगर कोई मिस्टेक है तो जैसे देखो बैंक का सिस्टम कैसे होता है, आप एक जगह कैश डिपोजिट करते हैं तो दूसरे जगह जाके उसका एंट्री करते हैं, सेम पर्सन नहीं करता. क्यों? तो क्या अगर कहीं बाय मिस्टेकली उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई मिस्टेक हुआ है तो वो चीजें वहां पे रेक्टिफाई हो सकती है. प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नाउ कैश बुक एंड जनरल बुक लेजर अकाउंट एंड आर द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एनी कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन एंड जनरल लेजर कंटेन कंट्रोल अकाउंट ऑफ ऑल सब्सिडरी लेजर डिफरेंट सेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट फाइनल अकाउंट. देखो फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कहां से दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ध्यान रहे फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 29 के थ्रू आया है. एवरी बैंक इन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर विद द रेफरेंस ऑफ ईयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी ईयर इन द फॉर्म ए. Form A is applicable for balance sheet and Form B is applicable for profit and loss account. तो हमारे पास दो form है, Form A is applicable for balance sheet and Form B is applicable for profit and loss account. Every bank have to follow same format which is given by Banking Regulation Act 1949. You cannot change single item from this form. मतलब आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं किया गया है. अलोंग विथ आपको जो है क्वेश्चन में बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है. अलोंग विथ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू प्रिपेयर 16 शेड्यूल. इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज देयर आर 18 शेड्यूल, लेकिन आपके लिए आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम देयर आर 16 शेड्यूल. देखो अब हमें पहला शेड्यूल नंबर 1-2 शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 इज एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग कंपनीज बैलेंस शीट एंड शेड्यूल नंबर 13 टू शेड्यूल नंबर 16 इज एप्लीकेबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. अब सर 17 एंड 18 क्या है, 17 एंड 18 इज एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग पॉलिसी, लेकिन हमें 17 एंड 18 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग. तो हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो 16 शेड्यूल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. तो शेड्यूल नंबर 1-2 शेड्यूल नंबर 12 जो है इज एप्लीकेबल फॉर बैलेंस शीट एंड शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 इज एप्लीकेबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फिलहाल देख सकते हो आपको इस तरह से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा.
तो अभी मैं फिलहाल उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई भी डिस्कशन, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। क्या क्या चीजें आती है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट बढ़ाएंगे आपको तो वन बाय वन वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको जो है सॉल्व करने के लिए आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है पॉइंट नंबर 3 नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अच्छा जो बीच का पॉइंट सर आपने स्किप किया, नहीं बच्चों स्किप नहीं किया मैंने, वो मैं आपको बाद में जो है जब जब आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल सम उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं आज आपको बता दूंगा, मान लो एक वीक बाद मैं प्रैक्टिकल सम उससे रिलेटेड करा रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो सारे आपको चीजें भूल गई रहेगी। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस थियरी पार्ट तभी कराऊंगा जब आपको उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए अब मुझे आपसे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? Have you heard about non-performing asset? Okay. Good. Roll number 52 बोल रहे हैं, सुना है उन्होंने। Yes. तो क्या मतलब होता है बेटा non-performing asset? कोई anyone? देखो देखो बैंक के पास एसेट है, बैंक के पास एसेट है, उस एसेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो परफॉर्मिंग एसेट और एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, अब दो लोग जरा अपना माइक अनम्यूट करेंगे, कोई तो दो लोग, एक चलिए रोल नंबर 43 7343 प्लीज 7343 प्लीज अनम्यूट करें माइक। हेलो हेलो अनम्यूट करो माइक बेटा। ओके हेलो यस सर। ओके चलिए एक जना और 7302 आप भी अनम्यूट करो माइक। हेलो तो जरा ध्यान से सुनना आप लोग, 7343 ने एक बैंक से लोन लिया, ठीक है। हेलो और बैंक से उन्होंने लोन लिया, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस का या 10 लाख रुपीस का उन्होंने लोन लिया, एवरी मंथ उन्हें ईएमआई पे करना होगा, यस और नो? यस। तो अब आपको एवरी मंथ ईएमआई पे करना है, अब आप पैसा पे कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको ईएमआई भरना है, बराबर है। yes. अब मान लेते हैं आपने 10,000 उसपे 10,000 आपका ईएमआई एवरी मंथ आपको भरना है, ठीक है। तो yes. एक मिनट बच्चों,
हेलो। हेलो बच्चों। हाँ चलिए, तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी यहाँ पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में समझ रहे थे। तो जैसे कि अभी रोल नंबर 43 ने हमें बोला, हमने बताया था कि रोल नंबर 43 ने एक लोन बोरो किया है जो 10 लाख रुपीज का लोन है। 10 लाख रुपीज का लोन है और उन्हें एवरी मंथ 10,000 रुपीज बैंक को ईएमआई पे करनी है। लेकिन किसी भी वैलिड रीजन की वजह से जो हम 43 रोल नंबर जो है बैंक को अपना ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो सकता है, बैंक को रेगुलर बेसिस पे वो ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना कंटिन्यूस, वो 5 मंथ से या और 6 मंथ से वो ये बैंक को ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। और वहीं एक मिस्टर ए है जो बैंक से लोन लिया है, जो ऑन द बेसिस रेगुलरली वो अपना ईएमआई बैंक को पे कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैंक, मिस्टर ए का जो लोन है वो परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? मिस्टर ए का जो लोन है वो परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? हेलो, मिस्टर ए का जो लोन है बच्चों परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बोलो। मिस्टर ए का जो लोन है, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, मिस्टर ए का जो लोन है वो परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग? परफॉर्मिंग, वेरी गुड, रोल नंबर 15 परफॉर्मिंग एसेट है। बिकॉज मिस्टर ए जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपना लोन जो है बैंक को पे कर रहे हैं। वहीं रोल नंबर 40 ने जो लिया था, 43 ने लिया था, वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग या परफॉर्मिंग? परफॉर्मिंग एसेट होगा, ठीक है। मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, मतलब ये अगर हम जो बैंक से भी हम मतलब ये बहुत सिंपल है कि हमने अगर जो बैंक से लोन वगैरह लिया है, अगर उसके अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर बैंक किसी भी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर वो रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट कर रहा है एंड ही इज रिकवरिंग, बैंक इज रिकवरिंग देयर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट ऑन रेगुलर बेसिस रेगुलर पीरियड, तो उस पर्टिकुलर एसेट को बैंक जो है परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रखता है। नाउ इफ अ बैंक इज नॉट रिकवरिंग या नॉट अर्निंग इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट ऑन एनी पर्टिकुलर लोन, देन बैंक ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर लोन इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी। इज दिस क्लियर, समझ में आया? मतलब बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कब ट्रांसफर करेगा? मैक्सिमम मान लेते हैं 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू, मतलब बेसिकली 3 मंथ से ज्यादा पीरियड का ओवर ड्यू हुआ है। ओवर ड्यू का मतलब 3 मंथ से तक आपको बैंक को पैसा नहीं मिला, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का ही पैसा 3 मंथ तक नहीं मिला है। तो इस केस में बैंक क्या करती है, बैंक जो है अब एनपी इसको ट्रांसफर करती है कहाँ पे, एनपीए में, समझ में आया? ऐसे लोन को ट्रांसफर कर देती है एनपीए में। तो देखते हैं हमारे पास एनपीए का मतलब, आपको आई होप समझ में आया रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। द आरबीआई हैज इश्यूड द गाइडलाइन फॉर द प्रोविजन और लॉस ऑन एडवांसेस और क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक। दीज गाइडलाइन आर नोन एज अ पोटेंशियल नॉर्म्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स द क्रेडिट फैसिलिटी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंटरेस्ट और एंड और इंस्टॉलमेंट आर
remained past due for a specific period. Thus, a credit facility that increases to generate income for a bank, income for the bank is termed as non-performing asset. Okay. Accordingly, any loan facility which is overdue for a period of or installment for a period of 180 days, मतलब ये अगर आपका 180 दिन से ज्यादा होता, ये पहले था, अभी ये क्या है 90 डेज से, आपका अगर 90 डेज से भी ज्यादा हो गया तो उस पर्टिकुलर एसेट को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब अगर कोई लोन का आपका पैसा 90 डेज तक नहीं पे कर पा रहे हो तो बैंक उस पर्टिकुलर लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देता है। बैंक इसको ऐसा ट्रेड करता है कि इस पर्टिकुलर लोन से हमें जो है पैसा इनकम जनरेट नहीं हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, अब यहाँ पे एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स एडवांसेस ऑफ बैंक आर क्लासिफाइड इन एज अंडर, मतलब देखो स्टैंडर्ड एसेट जो है बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग एसेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट जो है, बाकी के जो तीन क्लासिफिकेशन दिए हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तीन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आते हैं। इन फर्स्ट वाला जो स्टैंडर्ड एसेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। नाउ ने यहाँ पे लिखा है द एडवांस विच इज नॉट एनपीए इज कॉल्ड परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो भी पर्टिकुलर एसेट है जो एनपीए नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। सच एन एसेट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू द बैंक, ये पर्टिकुलर ये एसेट से बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज इस पर्टिकुलर एसेट से बैंक को रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, Now it is does not earn more than normal risk attached to the business. मतलब यहाँ पे जो risk तो है but एक normal risk है, तो इसलिए bank यहाँ पे ज्यादा, bank को इस particular asset से कोई ज्यादा problem नहीं होती। सब standard asset, the amount of advances which is NPA period are not exceeding 180 days is considered as a sub standard asset. मतलब overdue हुआ है 90 days से ज्यादा हुआ है but 180 days से कम है, तो ऐसे पर्टिकुलर एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पर्टिकुलर एसेट को हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। और द सिक्योरिटी अवेलेबल टू द बैंक, इट इज इनएडिक्वेट, देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द बैंक विल सफर द सम लॉस इन डेफिशिएंसी आर नॉट करेक्टेड इमीडिएटली इन फ्यूचर। मतलब बैंक ने जो लोन दिया था उसके अगेंस्ट बैंक ने मॉर्गेज लिया है, बट मॉर्गेज का जो रिकवरी अमाउंट है वो लोन के रिकवरी अमाउंट से कम है, तो इसलिए मतलब लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे कम है। मतलब मान लेते हैं मॉर्गेज, मान लेते हैं जो सिक्योरिटी रखा था उसको हमें सेल करके वी ओनली रिकवर 10 लाख रुपीज, बट लोन का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी 15 लाख है, तो इसलिए बैंक क्या करेगी, ऐसे केसेस में बैंक को 5 लाख रुपीज का लॉस हो सकता है, तो इसलिए बैंक को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। नाउ डाउटफुल एसेट, The amount of advances is a NPA for a period of exceeding 18 month is a considered as a doubtful asset. This type of asset is a considered as a weak because मतलब ये बहुत ही weak asset होता है जहाँ पे मतलब doubtful, मतलब अब यहाँ पे chances है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा देखो collection is considered highly impossible, improbable, मतलब यहाँ पे जो है पैसा रिकवर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फॉर दिस पर्पस अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड पोर्शन आर टू बी कंसीडर्ड सेपरेटली, और इस पर्सन इस पर्टिकुलर एसेट में सिक्योर्ड एसेट को अलग से हम क्लासिफाई करते हैं और अनसिक्योर्ड को अलग से। द सिक्योर्ड पोर्शन हैज बी फुल्ली प्रोवाइडेड, मतलब अनसिक्योर्ड पोर्शन जो होगा उसको 100% उसका राइट ऑफ कर देंगे, उसको 100% प्रोविजन कर देंगे। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। नाउ provision is also is made against the secured portion as per the certain percentage. Now loss asset ka matlab kya sa asset hota hai, loss asset aisa asset hai jisko auditor ya bank ne pehle hi identify kar liya hai ye ki ye particular asset jo hai loss asset hai, isse kuch paisa recover nahi hoga, us particular asset ko bank kya karta hai, loss asset consider karta hai. Now provision for advances. अब ये provision for advances क्या है? जैसे पहले आपने 11, 12 में RDD सुना था बच्चों, नाम RDD सुना था क्या आपने, नाम RDD क्या होता था, RDD होता था reserve for doubtful debts, या हम लोग इसको बोलते थे provision for doubtful debts. Yes, तो आप RDD का दो इफेक्ट देते थे, पहला एक क्या करते थे debtor से माइनस करते थे, yes less करते थे debtor से, दूसरा आप क्या करते थे
दूसरा आप उसे सॉरी पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में इस तरह से दिखाते थे ना बच्चों, यही दो इफेक्ट देते थे बच्चों। हेलो, यस सर, यस। तो अब हमें आरडीडी का हमने दूसरा नाम बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसी तरह से प्रोविजन फॉर एनपीए है, प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, प्रोविजन फॉर एसेट है। मतलब ये क्या है, ये भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ आरडीडी। जैसे हमने प्रोविजन फॉर डेटर किया था तो हमने डेटर से माइनस किया था, सिमिलरली अब हम प्रोविजन फॉर एनपीए करेंगे, एनपीए का जो प्रोविजन होगा उसको हम क्या करेंगे, वो भी प्रोविजन फॉर एनपीए जो होगा उसको भी दो इफेक्ट, एक तो हम एसेट से माइनस कर लेंगे जो भी एसेट के ऊपर प्रोविजन हुआ रहेगा, बराबर है। दूसरा हम पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, बराबर है, जैसे यहाँ पे भी दिखा रहे थे। अब पीएनएल अकाउंट में कहाँ दिखा सकते हैं, एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट साइड में दिखा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग दिखाएंगे प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में, ठीक है। तो इस तरह से हम दो इफेक्ट देंगे, यहाँ पे भी दो इफेक्ट देंगे, आगे हम देखेंगे इसका दो इफेक्ट किस तरह से देंगे। फिलहाल हम जो है वो जो प्रोविजन, जैसे आपको 11th और 12th में आरडीडी 5% दिया होता था तो किसका 5% निकालते थे आप लोग, आरडीडी 5% दिया होता था, कभी कभी एडजस्टमेंट में आरडीडी इज 5%, तो आप 5% किसका कैलकुलेट करते थे बच्चों, डेटर, डेटर्स का, इन सिमिलर मैनर। लेकिन अब जो है हमारा जो पिछले जो 11th एंड 12th में क्वेश्चन हमें क्लियरली इन्फॉर्म करता था कि 5% है, 10% है, 2% है, 4% है, लेकिन अब यहाँ पे जो एनपीए का प्रोविजन है उसका एक फिक्स्ड रेट है। वहां पे जो अगर 11, 12 की बात करें तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन माइट भी डिफर करता था, किसी क्वेश्चन में डेटर के ऊपर प्रोविजन था 5%, किसी में 10%, किसी पे 6%, लेकिन यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसेट, वो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, रेट ऑफ प्रोविजन विल बी फिक्स्ड। जैसे अगर आपका कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका कोई एसेट है और वो एसेट आपका परफॉर्मिंग, देखो स्टैंडर्ड एसेट है या परफॉर्मिंग एसेट है, तो परफॉर्मिंग एसेट है तो उस केस में जो प्रोविजन होगा वो आपका, देखो यहाँ पे क्या बोला, हम स्टैंडर्ड एसेट को भी बोलेंगे ओवर ड्यू अप टू 90 डेज, मतलब किसी का लोन आउटस्टैंडिंग तो है बट एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, दो महीने का, मतलब 90 डेज से कम का पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, तो उस एसेट को हम स्टैंडर्ड एसेट के कैटेगरी में रहते हैं। और अगर डायरेक्ट लो एडवांसेस गिव टू एग्रीकल्चरल और एसएमई सेक्टर, अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस एग्रीकल्चर सेक्टर और एसएमई सेक्टर को दिया है तो 0.25% प्रोविजन करना है। एडवांसेस टू द कमर्शियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस कमर्शियल एज वेल एज रियल एस्टेट सेक्टर को दिया है तो उस केस में आपको प्रोविजन 1% करना है। ऑल अदर एडवांसेस, अब इसके अलावा जो बचा हुआ होगा उसके लिए 0.4% करना है। लेकिन वन थिंग रिमेम्बर बच्चों, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नोट लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज कंसीडर्ड अदर एसेट, जस्ट आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, अब आपको क्लासिफाइड नहीं किया कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है या अदर्स है, तो आपको उसके इसमें अदर एडवांसेस कंसिडर करना होगा और उसके इसमें प्रोविजन 0.4% करना होगा। 0.4% है बच्चे, 0.4 ले लेते हैं, परसेंटेज का साइन लगाना भूल जाते हैं, उसके इसमें आपका मिस्टेक हो जाएगा। नाउ सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट में ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज, मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, 90 डेज से ज्यादा है बट 180 डेज से कम है, तो सिक्योर्ड है तो 10% प्रोविजन करना, अनसिक्योर्ड है तो 20%। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम उसे सिक्योर्ड कंसिडर करके 20% नहीं 10% प्रोविजन करेंगे। डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट के केस में भी आपको क्लासिफाई करना है सिक्योर्ड है क्या, सिक्योर्ड है अगर 1 to up to 1 year तक आउटस्टैंडिंग है 25%, 1 to 3 year तक आउटस्टैंडिंग है 40%, और अबाउट 3 साल से ज्यादा समय का आउटस्टैंडिंग हो गया तो 100%, और अनसिक्योर्ड है तो भी 100%, और उसके बाद लॉस एसेट है तो 100%। इस तरह से ये परसेंटेज एक बार रीड कर लें, एक बार मैं आपको पूरा ही दिखा देता हूँ, जो एनपीए का पूरा पार्ट रीड कर लें, किसी को कोई डाउट है एनपीए में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
हेलो, कोई डाउट बच्चों? हेलो, कोई डाउट बच्चों किसको? हेलो, चलिए आगे बढ़े। ये एक बार परसेंटेज आपने रीड किया, वापस वन सेकेंड एक बार रीड करो। इसके इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। है क्या बच्चों? नहीं ना, चलिए देखते हैं। हेलो, कोई डाउट चलिए। तो स्क्रीन विजिबल है सबका, सबको? यस। हेलो, स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड एज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एडवांसेस दिया है। एडवांसेस क्या दिया है यहाँ पे? एडवांसेस फॉर प्रोविजन, एडवांसेस एंड रुपीज। तो हमें स्टैंडर्ड एसेट, अब हमें प्रीवियसली हमने देखा था स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर जीरो कुछ भी नहीं बताया, तो हम 0.4% प्रोविजन करेंगे। 0.4% नाउ सब स्टैंडर्ड एसेट में आप भी, अगर ये सिक्योर्ड है तो 10%, डाउटफुल एसेट सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर के लिए कितना परसेंट था बोलो बच्चों? अप टू 1 ईयर के लिए कितना परसेंट था? अप टू 1 ईयर के लिए कितना परसेंट है चैट बॉक्स में बताएंगे। अप टू 1 ईयर के लिए 25% है। 25, 13 या बच्चों 13 ही, 25%। 1 to 3 year 40%,
अबाउट 3 ईयर 100%, लॉस असेट के लिए 100%। मेन तो जो आपको मैंने बोला परसेंटेज याद होना चाहिए, अब ये परसेंटेज याद है, प्लीज फॉर्मेट ड्रॉ करें आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करें, ये कंपटीशन ऑफ फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप लोग, फॉर्मेट ड्रॉ करो बच्चों, हेलो। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट बच्चों, फॉर्मेट रेडी है सबका। अब अपने को ध्यान देना है, ये जो अपना डिटेल्स है वो लिख लेना है आपको यहाँ पे एज इट इज डिटेल। स्टैंडर्ड एसेट हमारा अमाउंट कितना था 300, और सब स्टैंडर्ड एसेट में सिक्योर्ड 200 था, वो अप टू 1 ईयर 90 था, और 60 था, अबाउट 3 4 और ये 30। अब यहाँ पे रेट रेट जो है हमारा 0.4% था, उसके बाद 10% था, उसके बाद आपका 25%, 40%, 100%, 100% है ना, 100% ये परसेंटेज हमने निकाला था ना। अब प्रोविजन कैसे निकालना है बात समझना बच्चों, आपको 30 × 40% करना है, 0.4%। देखो 300 × मल्टीप्लाई बाय करेंगे 0.4% मल्टीप्लाई बाय 0.4% 0.4% तो कितना आएगा बच्चों बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4% से तो कितना आ रहा है बोलो, बोलो कितना आएगा, 1.2 आ रहा है क्या? हेलो, आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 200 का 10% कितना आएगा बच्चों, 20। सिमिलरली 25 का 25%, 90 का 25% होना चाहिए एक्चुअली, 90 का 25% कितना आ रहा है बच्चों बोलो, 90 का 25% कितना आएगा, 22.5। ओके, 60 का कितना आएगा बच्चों, 40% कितना आएगा 60 का, 4 का 100%, 30 का 100% बोलो, 60 का 40% बोलो, 24, 100% 4 का 4 ही आएगा, और 30 का 100% 30 आएगा। अब टोटल आप ले सकते हो, टोटल बताओ कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 1.2 प्लस 20 प्लस 22.5 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 30, चलिए यहां तक टोटल कर लेंगे आप, टोटल चेक करेंगे टोटल करेक्ट है या नहीं।
हेलो कंप्लीट हो गए बच्चों? यस एवरीवन कंप्लीटेड कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए यहाँ पे देखिए चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको होमवर्क करके आना है। हाँ बोलो, थोड़ा रह गया है ऊपर और। हो गया सर। एक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये होमवर्क में करके आना है आप लोगों को। लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या बोला है। व्हाइल द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट हमें दिया है, स्टैंडर्ड एसेट 16,000। बोला स्टैंडर्ड एसेट के बीच कितना परसेंट होगा? स्टैंडर्ड एसेट का 0.4%, नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड में 20% होगा, अनसिक्योर्ड में सॉरी सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड में बच्चों 10% होता है, अनसिक्योर्ड में 20%, और ये आपका अप टू वन ईयर 25%, 40% एंड 100% होगा, और यहाँ पे 100%। चलिए सॉल्व करके बता सकते हैं आप लोग फटाफट, डू इट फास्ट, सॉल्व करके बताइए। यू हैव 5 मिनट्स टाइम, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करके बताइए आप लोग। हेलो कंप्लीट हुआ बच्चों? देखो यहाँ पे देखो सिक्योर्ड एसेट है, सॉरी सिक्योर्ड बोल रहा, स्टैंडर्ड एसेट है,
स्टैंडर्ड एसेट 1600, उसके बाद आपका सब स्टैंडर्ड एसेट है, नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड, अच्छा सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड था, नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट, अब आपको क्या करना होगा, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज लिखिए 0.4%, 10%, 20%, उसके बाद यहाँ पे 25, 40, 100, 100 टोटल, ये टोटल चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे टोटल ले लीजिए, टोटल बराबर आ रहा है क्या बच्चों आप लोगों का, चेक करिए टोटल बराबर आ रहा है क्या आप लोगों का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को, डू यू हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या,
हेलो। हेलो बच्चों, कंप्लीट हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड एसेट है एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है तो 0.1%, रियल एस्टेट से रिलेटेड 1%, ठीक है। एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कितना परसेंट है बच्चों, 0.1% या कितना था, 0.25% था, 1 नहीं, 0.25%, 0.25%, 1%, और अदर्स स्टैंडर्ड रहेगा तो 0.4%। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड में 10%, 20%, अनसिक्योर्ड डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड है 100%, अप टू 1 ईयर 25%, 40%, अबाउट 3 ईयर है 100%, और ये भी 100%। तो ये परसेंटेज मेन आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, डू इट फास्ट। फॉर्मेट बनाइए आप लोग, फॉर्मेट बनाइए फटाफट बच्चों आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका, फॉर्मेट रेडी है क्या? हेलो बच्चों, फॉर्मेट रेडी? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो। चलिए देखिए यहाँ पे एज इट इज ही आएगा ना बच्चों, तो एज इट इज आने वाला है, ये लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिखिए, रेट ऑफ प्रोविजन 0.25%, 1%, 0.4%, 0.4%, 0.4%। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा सब स्टैंडर्ड में 10%, सिक्योर्ड रहेगा तो अनसिक्योर्ड का 20%, डाउटफुल का 100%, डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड रहेगा तो। नेक्स्ट अप टू 1 ईयर 25%, 1 टू 3 ईयर 40%, और उसके बाद जो है अबाउट 3 ईयर रहेगा 100%, एंड लास्टली आपका जो है लॉस एसेट के लिए 100% है। नाउ टेक अ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोटल कर लेंगे आप लोग।
कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? हेलो कंप्लीट हो गया बच्चों आप लोगों का? सिमिलर वे से ये सम करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, होमवर्क करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग, होमवर्क करना है। हेलो लिया गया बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोग? सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ले लीजिए बच्चों, स्क्रीन शेयर किया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हेलो कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो हेलो सर, हेलो बोलो 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 सर, होमवर्क सम देखा ना एक बार? क्या हो गया होमवर्क सम में बोलो? स्क्रीनशॉट नहीं लिया यार आप भी ना, अभी तक क्या कर रहे थे आप? हाँ लो लिया क्या स्क्रीनशॉट अभी? हेलो हाँ सर,
आपको ग्रुप में भेजा है, वो फिल करते रहिए आपको, जिस जो लोग भी इंटरेस्टेड है अटेंड करने के लिए। चलिए रोल नंबर वन। रोल नंबर वन है क्या? रोल नंबर वन, टू, थ्री, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। फिफ्टीन है, फिफ्टीन सेवेंटीन भी है, एटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री। पायल कितना रोल नंबर है आपका? पायल रोल नंबर बेटे बेटे 30 रोल 29 है, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 48 49 50 51 52 53 52 भी है, 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 36 हो गया, 40, 1 मिनट है, 1 ही मिनट बच्चों। थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर है क्या? नहीं, 43 लास्ट रोल नंबर है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ख्याल रखें आप लोग अपना, और जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म जरूर फिल करें, और फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो उसमें एक व्हाट्सएप लिंक है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।